कुलभूषण आपके पास आऊंगी, आप छतरी लेकर खड़े हुए हैं, छतरी आपकी बहुत जो है शानदार दिख रही है, रंग बिरंगी दिख रही है और हवा इतनी तेज थी कि आपकी छतरी खुद उड़ गई, तो सबसे पहले मौसम का हाल बताइए कि मौसम कैसा है इस वक्त। देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार तेज और रिमझिम बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और इस वक्त आप मेरे पीछे भी मौसम की तस्वीर देख सकते हैं क्योंकि काफी तेज हवा है और जो हमने छतरी हाथ में पकड़ी है वो छतरी भी संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। सुबह से ही जो है तेज हवा के साथ रिमझिम जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। मैं आपको भोपाल के कलियासोत डैम की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि देर रात से ही जो कलियासोत डैम है उसके तकरीबन 10 गेट खुले हुए हैं और आप पानी का ये तेज बहाव देख सकते हैं कि लगातार जो तेज बारिश हो रही है अन्य जिले और मध्य प्रदेश में उसकी वजह से चारों तरफ जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है और तमाम जो नदियां हैं जो नाले हैं वो अपने पुल के ऊपर से बहती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और ये भोपाल के कलियासोत डैम की तस्वीर देख सकते हैं। ठीक इस डैम के पीछे भदभदा डैम है, उस डैम के भी तकरीबन 10 जो गेट है वो खोले गए हैं और इस कलियासोत डैम के भी जो है 10 गेट रात 12 बजे से लगातार खुले हुए हैं। आप ये तेज बहाव ये तेज बारिश का पानी देख सकते हैं, काफी तेज हवा है और जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त इस बारिश की वजह से हो चुका है, लेकिन हम ये भी कहेंगे जनजीवन के साथ साथ इस सुहाने मौसम की तस्वीर भी आप सकते देख सकते हैं। लोग इसका आनंद भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मोबाइल में इस मौसम की तस्वीर को कैप्चर कर रहे हैं इस यादगार पल को, क्योंकि अक्सर लोग गर्मी उमस ठंड से परेशान होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखा जाए तो लोग बारिश का आनंद भी लेते हैं, रिमझिम बारिश का आनंद लेते हुए अपने परिवार के साथ सुबह से ही जो है कलियासोत डैम में लाखों जो हजारों की संख्या में कह सकते हैं यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और गाड़ियों के जाम जैसी स्थिति भी जो है भोपाल में कलियासोत डैम और भदभदा डैम के पास बनी हुई है क्योंकि जब पिछले 24 घंटों से जो ये रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है तो इस बारिश में लोग भुट्टे का भी आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही छतरी लेके अपने घरों के बाहर वो निकल चुके हैं और साथ ही इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। काफी सुहाना मौसम गुलाबी मौसम हो चुका है, परिवार के साथ जो है आनंद लोग उठा रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नर्मदापुरम भोपाल रायसेन विदिशा के कलेक्टर से फोन में चर्चा की है और वहां की स्थिति का जायजा लिया है। इसके साथ ही जो नदियों का जल स्तर बढ़ा है उसको देखते हुए लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और डैमों की स्थिति पर भी जो है निगरानी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री पचमढ़ी पहुंच चुके हैं लेकिन वहां से लगातार जो है मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वहां के कलेक्टरों से उनकी जो चर्चा है वो फोन में होती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही उन्होंने जो कलेक्टर हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे जो है पानी की स्थिति से निपटा जाए और किसी भी प्रकार की कोई घटना बड़ी दुर्घटना ना हो। इसके साथ ही अगर हम स्कूलों की बात की करें तो आज राजधानी भोपाल सहित नर्मदापुरम के जो स्कूल हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। मैं आपको एक और चीज बताइए कैसा आनंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग आनंद बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत आज की जो छुट्टी की है ना बच्चों की बच्चे फुल इंजॉय करें और देखिए नेचर को देखिए आप 13 गेटों में से 11 खोल दिए गए हैं। दो दिन से बारिश हो रही है इसका एंजॉय आप भी परिवार के साथ बस पत्नी के साथ आए हुए हैं। बहुत ही बहुत सुंदर है हमारा भोपाल और बहुत ही मजा आ रहा है। गेट खुले हुए लग रहा है एक स्वर्ग में आ गए हूँ।
बिल्कुल, जो भोपाल के रहवासी हैं, क्योंकि भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है और इस झीलों की नगरी में भोपाल के रहवासियों का कहना है कि इस मौसम में उनको स्वर्ग जैसा आनंद और महसूस हो रहा है। और लगातार हमने आपको डैम की भी तस्वीर दिखाई और आप देख सकते हैं कि काफी तेज हवा है, काफी तेज आंधी तूफान है। हमारे हाथ पे जो छाता है वो भी हमसे संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश के साथ साथ जितनी तेज बारिश हो रही है उतनी ही तेज यहाँ पर हवा भी चलती हुई नजर आ रही है। और लोग लेकिन इस मौसम का आनंद भी, इस मौसम का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भोपाल की सुंदरता है, जो भोपाल का मौसम है, उस मौसम की जो तस्वीर है वो अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। और ये जलस्तर आप लगातार देख सकते हैं, जो नदियों का जलस्तर है वो काफी बढ़ चुका है। भोपाल से सटे जो इलाके हैं, जो जिले हैं, नर्मदापुरम की बात करें, रायसेन, विदिशा की बात करें, तो सभी जगह मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटे अलर्ट रहने की यहाँ पर बात कही गई है।